देखिए इस वक्त मैं सेक्टर 89 में हूँ और ये जो सामने आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है पटौदी रोड है उसका इंटरसेक्शन है। यहाँ से अगर आप राइट चले जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से अगर आप लेफ्ट चले जाएंगे तो आप सेक्टर 95 होते हुए मानेसर की तरफ जा सकते हैं। इस एंड से लेकर आगे जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है बोर्ड ये डिस्प्ले वाला, वहाँ तक ये सारा मार्केट 89 है और इसका सेक्टर 89 न्यू गुड़गांव में, बेसिकली ये द्वारका एक्सप्रेसवे है उसी का पार्ट है न्यू गुड़गांव भी। अब हम इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर चल के आपको इंटरनल क्या काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। हाय, इस वक्त मैं न्यू गुड़गांव के सेक्टर 89 में हूँ और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसका नाम है मार्केट 89। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपको अंदर लेकर चलता हूँ। पहले मैं आपको 3D मॉडल में सारा कुछ समझा दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक्चुअल साइट में ले जाकर सारी डिटेल्स दिखा दूंगा। अगर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है या आपका इंटरेस्ट है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में या फिर आप यहाँ पे आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है कमर्शियल प्रोजेक्ट में, तो इस वीडियो में आपको उसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी पता चल जाएगा कि किस स्टेज तक आज के डेट में कंस्ट्रक्शन पहुँच गया है। आइए मैं आपको पहले सेल्स ऑफिस लेकर चलता हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में 3D मॉडल में समझाता हूँ और उसके बाद हम साइट पे चलेंगे और डिटेल में सब कुछ समझेंगे। आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि एक्चुअल में आज के डेट में कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है। अब मैं ORS के सेल्स ऑफिस में जा रहा हूँ और यहाँ पे आपको मैं 3D मॉडल दिखाऊंगा। पवन जी, हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड सर, हाउ नाइस टू मीट यू। ऑल गुड, ऑल गुड। हम सेल्स गैलरी, थैंक यू सो मच। हम 3D मॉडल में पहले समझेंगे सब कुछ और उसके बाद विल गो टू दी साइट एंड देन हैव अ लुक एट दी साइट की क्या काम चल रहा है वहाँ पे, स्टेज क्या है कंस्ट्रक्शन का आज के डेट पे और कंप्लीशन के कितने पास है। एंड विल ट्राई एंड मेक दिस वीडियो अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉट अ सेल्स पिच। श्योर। ऑलराइट, चलिए 3D मॉडल की तरफ। सो दिस इज द सेल्स गैलरी, आप यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे 3D मॉडल है। हम 3D मॉडल देखेंगे और उसमें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो समझने से पहले एक बार मैं आपको 3D मॉडल चारों तरफ से दिखा देता हूँ सो दैट आप सबको आइडिया हो जाए कि ये मार्केट 89 चारों तरफ से कैसा दिखेगा। पवन जी, ये मार्केट 89 है क्या? अगर मार्केट 89 एक रिटेल हाई स्ट्रीट है, ओके, हाइब्रिड मॉडल जिसमें आपके ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रिटेल शॉप्स हैं, ओके, एंड फोर्थ से लेके 13th फ्लोर तक सर्विस अपार्टमेंट्स। फोर्थ से लेके 13th फ्लोर तक, ओके। यानी अगर मैं ऐसे दिखाऊं मॉडल में तो ये जो सामने है, यस, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जी इज योर रिटेल कॉन्सेप्ट वेयर यू हैव एंकर्स, ओके, रिटेल शॉप्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, ऑलराइट, एंड बेसिकली नेबरहुड मार्केट वेर यूल हैव ब्रांड्स, वेर यूल हैव सेल्फ यूज शॉप्स, ओके, वेर यूल हैव फूड कोर्ट्स, वेर यूल हैव किड्स प्ले एरिया, ऑलराइट, सो एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेस, ओके। एंड ये जो हाई राइज जैसे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, दिस इज योर स्टूडियो अपार्टमेंट? दीज आर आवर सर्विस अपार्टमेंट्स। सर्विस अपार्टमेंट्स, ओके। एंड ये जो मुझे यहाँ पे टेरिस में दिख रहा है सामने, ये आपका फूड कोर्ट एरिया है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये सारा फूड कोर्ट एरिया है, राइट? ओके पवन जी, इस प्रोजेक्ट की USP क्या है? वैसे तो बहुत सारी हैं बट वन ऑफ द मेन USP इज द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके, विच इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ 75 मीटर रोड एंड पटौदी रोड, ओके। सो 75 मीटर रोड यानी कि ये जो रोड है सामने, दिस इज द 75 मीटर रोड एंड यहाँ से अगर आप राइट टर्न की तरफ चले जाएंगे तो आप NH8 में कनेक्ट कर लेंगे, राइट? और जो वो रास्ता दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला रास्ता, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे, ये पटौदी रोड है। बिल्कुल जी। सो इसमें एक आप देख रहे हैं जैसे कि फॉर अ रिटेल प्रोजेक्ट, ओके, फ्रंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, द एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं पटौदी रोड के कॉर्नर से लेके जी और 75 मीटर रोड के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये दिस इज समवेयर अराउंड 680 स्क्वायर फीट। इसका जो फ्रंट एरिया है ये वाला, सो दिस इज 680 फीट। यस, बहुत बड़ा फ्रंट है। अगर कार यहाँ से कल को जा रही होंगी तो पूरी विजिबिलिटी होगी मार्केट में। एब्सोल्युटली, दिस विल बिकम मोर ऑफ अ मार्केट 89 चौक। सो व्हाई यू सेलेक्टेड सेक्टर 89 फॉर दिस प्रोजेक्ट? सेक्टर 89, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सेक्टर 89 आपका सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड है, ओके, इन द न्यू गुड़गांव रीजन, ओके, जो जिसका एक्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे से भी विद इन 2 मिनट्स है जी, नेशनल हाईवे से भी 2 मिनट्स है,
आपका जो ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे आप बोलते हैं, दिस इज बैंग ऑन दैट जी। के एम पी एक्सप्रेस वे से भी समवेयर अराउंड 10-15 मिनट्स का डिस्टेंस है यहाँ। ओके, सो ये सेंट्रली प्लेस्ड है आपका, जहाँ से पीपल वुड प्रेफर कि हमारा शॉप यहाँ पर हो या हमारा बिजनेस यहाँ पर हो, जिसमें एक्सेसिबिलिटी ईजी हो, अप्रोचेबिलिटी ईजी हो। मुझे ये भी पता है कि जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला रास्ता है, जो यहाँ का मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है विच विल कनेक्ट टू मानेसर, ये उसके पास भी है। प्लस जो गुड़गांव रिवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे है, ये उसके पास भी पड़ता है, दोनों के बीच में ही है। एब्सोल्यूट, सो 5-10 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, सो दिस इज अलाइंड विथ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है। देन अगर हम इसको ऐसे देखें कि NH 8 और पटौदी रोड, उसके बीच में जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, उन दोनों के बीच में ये पड़ जाता है। ये 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, और आसपास यहाँ पे कैचमेंट एरिया क्या है? इसमें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रिटेल हाई स्ट्रीट। ओके, यहाँ आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो पटौदी रोड से कनेक्टेड आपका हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ओके, और इस मार्केट 89 को केटर करने के लिए जो रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट हैं, वुड बी समवेयर अराउंड 50,000 यूनिट्स इन नियर फ्यूचर, जिसमें से आज 15,000 से 20,000 फैमिलीज ऑलरेडी स्टे। मेरे ख्याल से आसपास का जो एरिया है, लाइक सेक्टर 82, 83, 84, 85 अप टिल 95, कम से कम यहाँ पे 55,000 फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं। यस, एब्सोल्युटली, एक्सक्लूडिंग दी गांव वाले। yes. जितने भी विलेज है यहाँ, विलेजेस है, उसको एक्सक्लूड कर दे तो इतनी तो अपार्टमेंट्स में ही फैमिली यहाँ पे रहती है गांव में। जी, इसके USPs और क्या क्या हैं? इसमें प्रखर USP हैं, एक तो किसी भी रिटेल को चलाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ पार्किंग, राइट? वी हैव 2 बेसमेंट पार्किंग, एंड यू कैन सी ओवर हियर वी हैव सफिशिएंट पार्किंग ऑन दी सरफेस एज वेल। मतलब ये जो मुझे साथ साथ दिख रहा है ये सारा कुछ, ये कार पार्किंग सरफेस में है, इसके अलावा भी आप 2 बेसमेंट्स हैं जिसमें कार पार्किंग होगी। यस, ओके, और इसमें साइजेस क्या क्या अवेलेबल है? इसमें रफली 250 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स आपके साइजेस रन करते हैं। ओके, जिसको मल्टीपल में एंड कुछ बड़े साइजेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप यूटिलिटी के लिए ला सकते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि इन्वेस्टमेंट करना है किसी को या एंड यूज़ के लिए लेना है, तो मिनिमम क्या बजट लेके वो माइंड में चले और मैक्सिमम क्या बजट हो सकता है यहाँ पे लेने के लिए? मिनिमम वी कैन टॉक अबाउट 30 लाख। 30 लाख में यहाँ पे कुछ शॉप्स मिल जाते हैं? बहुत अच्छा शॉप मिल जाता है। ओके, एंड देन मल्टीपल में है, वी हैव सोल्ड शोरूम स्पेसेस, वी आर टाइंग अप विद वेरियस ब्रांड्स एज वेल इन कमिंग टाइम फॉर द शोरूम्स फॉर एंकर्स। ऑलराइट, तो अभी हमारी अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूँ, सिंस यू टॉक्ड अबाउट ब्रांड्स, कौन कौन सा ब्रांड एक्सपेक्टेड है या किन के साथ टाइप हो चुका है ऑलरेडी मार्केट 89 के लिए? मार्केट 89 में हमने फूड कोर्ट का टाइप कर लिया है। ओके, विद के वॉल्स। ऑल राइट, हमने जंगल जम्बूरी का टाइप कर लिया है फॉर रेस्टोरेंट स्पेस। ओके, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दिस एरिया, 5600 स्क्वायर फीट। ऑल राइट, एंड वी हैव साइंड अप बैगलाइन कॉन्सेप्ट, जो कि टॉमी हिलफिगर के ट्रैवल गियर में आता है। ओके, वो भी हमने साइन कर लिया, एंड देयर आर फ्यू मोर विच आर इन द पाइपलाइन। ऑल राइट, अब इसमें जैसे बाकी मैंने जगह देखा है, जो भी मॉल्स होते हैं वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे भी क्या मेंटेनेंस बहुत हाई होगा? प्रखर, यहाँ पे मेंटेनेंस आपका लो कॉस्ट रहेगा, मेंटेनेंस वुड बी अ लो कॉस्ट मॉडल। ओके, जैसे हाई स्ट्रीट में आपके होते हैं, इसमें आपका सेंट्रलाइज एयर कंडीशन कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल राइट, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस लो रहेगा। ओके, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है, तो यहाँ पे जो शॉपिंग करने आएंगे, अगर उनको गर्मी लगे या गर्मी में ऐसा तो नहीं होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और सेंट्रलाइज एसी नहीं है, इनफैक्ट तो वॉकिंग्स कम हो जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज डिजाइनिंग हैज़ बीन मेड इन सच अ वे, जहाँ आप अगर आप यहाँ देखेंगे जी, तो जो ATM की स्पेसेस है, दोज आर नॉट दैट बिग और दैट स्मॉल। ओके, इम्पैक्ट करती है, तो वेदर का इम्पैक्ट इस पर कम। ऑल राइट, एंड जो कॉरिडोर्स आपने दिए हैं यहाँ पे, वो इनफ स्पेस है? लिफ्ट कहाँ कहाँ है, वॉशरूम्स कहाँ कहाँ है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इनफ वॉशरूम्स आर देयर, वी हैव गिवन 6 स्टेयरकेसेस, वी हैव 2 लिफ्ट्स, वी हैव 2 एस्केलेटर्स। ओके, विद इन दिस कॉन्सेप्ट, तो इट्स मोर देन इनफ। ऑल राइट, इज रिक्वायर्ड। पवन जी, ये मैं आपका 3D मॉडल तो देख रहा हूँ, बट मुझे आप एक बार एक्सप्लेन करिए कि क्या चीज़ क्या है इसमें। जैसे अगर मैं ये वाला पार्ट देखूँ, तो ये चीज़ क्या है? वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये एक छोटा ब्लॉक है, इसमें यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग शोरूम कमिंग इन। ऑल राइट, जिनके थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सेपरेट कॉन्सेप्ट में चाहिए होते हैं। ओके, आपको स्पेस, तो ये उनके यूटिलिटी में आएगी। ओके, फिर मैं अगर इस पार्ट की बात करूँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आपने वहाँ तो एक्सप्लेन कर दिया वो सारा कुछ,
इसमें और क्या क्या होंगे? अच्छा, इसमें प्राइमरली हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं कि शोरूम्स आएंगे, अच्छे रिटेल शॉप्स आएंगी। ओके। एंड इसी में अंदर व्हेन वी विल सी द फ्लो प्लान्स देखेंगे जी, अंदर भी कॉन्सेप्ट्स रखे हुए हैं जहाँ पे आप अपना स्टोर खोल सकते हैं। ओके। जहाँ पे आपके ग्रोसरी का स्टोर आएगा, जहाँ पे आपके मिनी एंकर्स आएंगे। ओके। एंड जैसे किसी भी मॉल या हाई स्ट्रीट में एक कॉन्सेप्ट होता है, मूव अराउंड का एरिया बहुत स्प्रेड होना चाहिए। राइट। दिस विल गिव यू एग्जैक्टली दैट फील। ऑलराइट। ऊपर में मैं देख रहा हूँ आपने सोलर पैनल भी लगाया हुआ है 3D मॉडल में, ये वाकई में क्या आप सोलर पैनल लगा के देंगे या बस ये दिखाने के लिए लगा हुआ है? बिल्डिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस। ओके। अब हम वहाँ की बात करते हैं, वो दैट इज़ द फूड कोर्ट एरिया, राइट? हाँ जी। एंड आई कैन सी एन एस्केलेटर देयर गोइंग अप। यस। जैसे आपने एस्केलेटर रखा है, दैट इज़ ओपन टू स्काई, बारिश होगी तब कैसे यूज़ करेंगे उसको लोग? उसमें क्या है प्रखर, गोइंग फॉरवर्ड नियरिंग कंप्लीशन ये हम कवर करेंगे। ओके। नाउ देर आर ऐसे बहुत से टेंसाइल स्ट्रक्चर से जी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिनको आप इससे कवर कर सकते हैं। ओके। ये तो हो गया फ्रंट वाला पार्ट, राइट? यस। अपर द्वार का एक्सप्रेसवे के साथ जो है, अगर मैं बैक की तरफ आऊँ थोड़ा तो ये क्या, आई कैन सी कार पार्किंग नीचे, एंट्री और एग्जिट है? है आपका जी, बेसिकली रैम्प बाहर आ रहा है, आप अपनी गाड़ी नीचे पार्क करेंगे, अगर आपने सरफेस पे लगाई है तो वहाँ लग जाएगी। दिस इज एन एग्जिट प्लान्ड आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ओके। और वो ग्लास का क्या है वहाँ पे? ये बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज हमने सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जी के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस रखा हुआ है। ओके। ये दिस इज द ड्रॉप ऑफ फॉर दैट, तो ट्रिपल हाइट और एंट्रेंस फॉर सर्विस अपार्टमेंट्स। ओके। सर्विस अपार्टमेंट्स के साइज क्या है यहाँ पे? वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट टिपिकली साइज 650 से 700 फुट के होते हैं। 650 स्क्वायर फुट से 750 स्क्वायर फुट से। पवन जी, ये तो मैंने 3D मॉडल देख लिया, अब अगर मैं साइट पे जाऊँ, सब साइट में जाने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ क्या ये रेरा अप्रूव्ड है? ये रेरा अप्रूव्ड है इसका। ऑल राइट, ठीक है, तो अब हम साइट पे चलते हैं एंड साइट पे चल के मैं आपको और डिटेल में समझता हूँ। यहाँ तो 3D मॉडल आप सबने देख लिया, अब मैं आपको एक्चुअल साइट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कितने लेबर साइट पे काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कहाँ तक पहुँच गई है। आपने जो यहाँ 3D मॉडल में देखा है, ये सब कुछ एक्चुअल साइट में आपको दिखाने वाला हूँ मैं। सो अब हम इनके साइट पे आ गए हैं और ये इसका फ्रंट होगा, जहाँ पे एक्चुअली हम खड़े हैं यहाँ पे सर्विस रोड होगा यहाँ से आगे तक, और जो मेन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वो इस बाउंड्री वॉल के पीछे की तरफ है। पवन जी, अभी जो मैं कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, इसमें लेबर्स कितने लगे हुए हैं अभी? वी वुड बी हैविंग नंबर्स ओवर 150 लेबर्स, बट ये सफिशिएंट लेबर है आपका जो टाइमलाइन है नेक्स्ट ईयर का जिसमें आप पोजीशन देना चाहते हैं? दिस पॉइंट इट्स एट द मैक्स व्हाट वी कैन कीप राइट नाउ कंसीडरिंग द वर्क गोइंग ऑन, बट ये बढ़ेगा जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन ऊपर जाएगा। ओके। पवन जी, ये सामने ये बी ब्लॉक है, राइट? हाँ जी। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपने बताया था? इसमें बेसिकली कैन एक्सपेक्ट अ बिगर शोरूम। ओके। बिगर फॉर्मेट। ऑल राइट। इसमें जिनको एक्सक्लूसिव बिल्डिंग चाहिए होती है अराउंड 15 to 20,000 स्क्वायर फीट, ये उनको कैटर करेगा। सो 15 से 20,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया है? हाँ जी। सो एक ही बिजनेस या एक ही कंपनी ये पूरी बिल्डिंग ले सकती है या इसमें भी आप डिवाइड करेंगे कि एक शॉप दो शॉप ऐसे करके? प्रॉब्ली 1 or 2 पीपल विल फ्लोर वाइज रनिंग बिल्डिंग वाइज। ओके। ऑल राइट। ये तो फ्रंट का साइड हो गया सारा, इसके पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है? बिल्कुल। तो हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे चल के देखते हैं। जितने भी यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कमर्शियल में इन्वेस्ट किया हुआ है या ले चुके हैं ऑलरेडी, वो देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का स्टेज क्या चल रहा है। पवन जी, ये वाला जो पिलर दिख रहा है, पतले पतले सरिये दिख रहे हैं, दिस इज़ योर बाउंड्री वॉल, और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक इसके बीच में ही ग्रीन एरिया होगा और सर्विस लेन्स होंगे। ओके। तो अब हम इसके पीछे की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल। ऑल राइट। जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं ये इनका पार्किंग एरिया होगा, सरफेस पार्किंग यहाँ पे होगी? बिल्कुल। दैट्स वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू हैव मोर देन सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था वो उस पॉइंट से बना रहा था, अब मैं प्रोजेक्ट के पीछे आ गया हूँ, यहाँ पे और भी ज़्यादा लेबर्स दिख रहे हैं काम करते हुए।
इसमें बेसमेंट कितना है? -1 और -2 दोनों। There are two basement. पार्किंग कितनी होगी इसमें लगभग? बेसमेंट में हमने मिनिमम 500 का प्रोविजन रखा हुआ है। ओके। And then ground floor पे the numbers will come at the time of possession, but I believe it would be nothing less than 150 more. ओके, मतलब 600 के करीब पार्किंग होगी यहाँ पे। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी जी। एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग हियर यहाँ पे। और ये जो सेक्शन है, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे भी आप देखिए नीचे बेसमेंट ऑलरेडी बन चुका है और उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, दिस इज ग्राउंड फ्लोर राइट, तो ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे अभी पिलर्स कास्ट किए जा रहे हैं। तो यू आर कॉन्फिडेंट कि बाई नेक्स्ट ईयर हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को? ओके। यहाँ पे जैसे ये वाले शॉप का आपने 400 स्क्वायर फीट बताया, तो नॉर्मली किस रेंज से शुरू होता है इसमें? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 80 लाख ऑनवर्ड्स। 80 लाख ऑनवर्ड्स। ओके। तो प्रखर, जैसे हम कैचमेंट की बात कर रहे थे जी, तो वी हैव जस्ट सीन द रोड्स, जो वेल एक्सेसिबिलिटी है आपकी 75 मीटर से जी, एंड पटौदी रोड से। हाँ, अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस बाउंड्री वॉल के उधर 75 मीटर रोड है, यानी कि अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जो NH8 और दिल्ली को कनेक्ट कर देगी। एंड अगर आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊँ, पीछे देखिए गेट दिख रहा होगा, उस गेट के पीछे वो पटौदी रोड है, वहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आगे जाकर द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन आ जाएगा पटौदी रोड के साथ। जी, कैचमेंट के लिए वी आर कमिंग अप विद 1000 प्लॉट्स। ओके। व्हिच यू कैन सी ओवर देयर, वो जो पीछे वाला एरिया है पूरा, मैं ज़ूम करता हूँ, आधा किलोमीटर तक आगे तक। ओके। सारी प्लॉटेड डेवलपमेंट है। ओके। 1000 प्लॉट्स आपके इसमें। 1000 प्लॉट्स किस साइज के? 180 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव। ऑलराइट। जी। एंड वो आपकी आज जो हाउसिंग ऑलरेडी रनिंग है। हाँ, पीछे मुझे दिख रहा है वहाँ पे। दे हैव अ कैप, आई थिंक टोटल नंबर अगर हम बात करें तो 15,000 से 20,000 फैमिलीज विल स्टे अराउंड दिस रीजन। जी, वहाँ पे भी मुझे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं एंड में बिल्कुल। एंड बिल्कुल इस पूरे रीजन के अंदर अनदर 25,000 to 30,000 फैमिलीज ने मूव करना है। ऑलराइट। पवन जी, अगर मैं ये बी ब्लॉक की बात करूँ तो मैंने देखा है कि नॉर्मली ऐसा भी होता है कि फ्लोर से सीलिंग की हाइट वो अच्छी खासी होती है, उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं फ्लोर्स में वो हाइट कम हो जाती है, तो यहाँ पे आपके सीलिंग की हाइट क्या है? प्रखर, ये 4.5 मीटर्स है। ओके। एंड द गुड पार्ट इज वी हैव केप्ट दिस अक्रॉस ऑल फ्लोर्स। यू मीन टू से कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सब में 4.5 मीटर का हाइट है? हाँ जी। फ्लोर टू सीलिंग? हाँ जी। ओके, ग्रेट। तो अभी मैं आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखा दूंगा तो आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि जो भी यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उनको एक कंस्ट्रक्शन अपडेट मिल जाए इस प्रोजेक्ट का जो मार्केट 89 के नाम से है। ऐसा कुछ रह गया पवन जी जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा और आप बताना चाहते हैं? प्रखर, हमने बाय एंड लार्ज सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ओके। एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, यू आर ऑलवेज फ्री। मुझे ये पूछना है कि अगर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो को देखकर यहाँ पे कल को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो और इसके तरफ से आप कुछ एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल डिस्काउंट उनको देंगे? एब्सोल्युटली, यू विल ऑलवेज हैव स्पेशल प्रिविलेज, सो डिस्काउंट्स के लिए हम डेफिनेटली बैठ सकते हैं। ओके। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी जानना हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।